नमस्ते दोस्तों, दिस साइड सुभाष चौधरी और अभी मैं अपने घर की छत पे खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी यहाँ का बैकग्राउंड भी दिखता रहे और मन भी लगा रहे, मेरी बातें भी सुनते रहो। तो आज जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि राजाजी नेशनल पार्क में कितने सारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं। कंप्लीट डिटेल मिलेगी, आज से पहले किसी भी वीडियो में इस तरह की डिटेल नहीं दी गई है। और कुछ वेबसाइट पर मैंने देखा आधी अधूरी नॉलेज है, किसी ने एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस छोड़ दिया, किसी ने दो छोड़ दिए। तो यहाँ पे भाई पूरे 11 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं राजाजी नेशनल पार्क के अंदर, और 11 के 11 के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ और उनकी डिटेल भी कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं रहता हूँ देहरादून सस्तेधारा रोड पे और यहाँ से जो सबसे पास फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पड़ता है वो पड़ता है, दो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, दोनों की दूरी बराबर है। एक तो आसारोरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जो कि सहारनपुर रोड पर है, ISBT से रास्ता जाता है उसका, और दूसरा जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वो फांदो वाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। आई होप आपको ये मशीन चल रही है साइड में इसकी आवाज़ ना आ रही हो, देखता हूँ इसकी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, पहले से चेक कर लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, मशीन की इतनी आवाज़ नहीं आ रही है इसकी, हालांकि मुझे बहुत तेज आ रही है, पर इस थैंक्स टू दिस माइक नॉइज कैंसिलेशन है इसमें और इतनी आवाज़ नहीं आती है। चलो चलो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो फांदो वाला जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वो है जो देहरादून के अंदर हरिद्वार बाईपास है ना, वहाँ से एक रास्ता जा रहा है जो डोईवाला निकलता है, पीछे जंगल जंगल के किनारे जा रहा है, और बीच में जो पहाड़ लच्छीवाला का जो जंगल है उसके उस तरफ से जा रहा है वो। इस तरफ से तो हरिद्वार रोड है और उस तरफ से वो जंगल जंगल के बीच से जा रहा है, तो वहाँ पर फांदो वाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। और उसी में आगे चल कंसराव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। मैं आपको बता दूं, कंसराव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जब जो कंसराव का जो रेलवे स्टेशन भी है, जब हरिद्वार से और ट्रेन आती है डोईवाला की तरफ तो बीच में कंसराव का एक एक स्टेशन भी पड़ता है और उसी के आसपास कंसराव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है। तो ये तीन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तो मैंने आपको बता दिए हैं, अब ध्यान से सुनते रहना, इनके नाम बातों बातों में ही निकलते भी जाएंगे, लेकिन मैं एक लिस्ट भी दे दूंगा। तो तीन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हो गए हैं जो कि मेरे घर के सबसे पास है, देहरादून के पास है, और इन तीनों को अनफॉर्चुनेटली मैंने इसमें से एक ही विजिट किया है जिसका नाम है आसारोरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, क्योंकि अभी एक हाईवे बन रहा है देहरादून से दिल्ली का 2.5 घंटे की दूरी वाला, तो इसलिए वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस टूटने वाला है, तो वो हाईलाइट हुआ था, तो मैं वहाँ पर गया था और उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। जिन्होंने नहीं देखी है तो भाई देख लेना, आसारोरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सर्च कर लेना। तो ये तीन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सबसे पास है मेरे, और थोड़ा सा फिर दूर जाते हैं फिर है मोतीचूर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। मोतीचूर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तो बिल्कुल हरिद्वार से निकलते ही है, जैसे आप हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ आते हैं तो रास्ते में ही एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, वहीं पे लेफ्ट साइड में मोतीचूर रेंज है जहाँ पे सफारी भी होती है, और वहीं पे मोतीचूर का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। और उसी के सामने फिर मोतीचूर से थोड़ा सा आगे चलेंगे ऋषिकेश की तरफ को तो एक सत्यनारायण का मंदिर आता है, तो उसी के राइट साइड में एक अंदर गली जा रही है तो वहाँ पे सत्यनारायण का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है जो कि अब प्राइवेट हो गया है, सेफर्ड सत्यनारायण ऐसा कुछ उसका नाम है, मैं उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। और ये जितने भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं सब ज़्यादातर 1882-1883 में ही बने हैं, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, और कुछ में तो अभी रिनोवेशन हो गया है। और फिर जो एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जो कि मेरा फेवरेट है, बिल्कुल ही कोर जोन में है जहाँ पे मेरा ड्रीम है रुकने का, तो वो है धोलकन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। एक्चुअली वो सहारनपुर रोड पर जो मोहन गेट है, मोहन गेट से चिलावाली की सफारी होती है, तो वो धोलकंड तक सफारी होती है, और धोलकंड में वहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, वो मैंने आपको दिखाया था, बाहर से दिखाया था, सफारी की थी उस दौरान मैंने आपको दिखाया था। अगर आपको वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस देखना है तो मेरी ना सफारी वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने धोलकंड रेंज की, चिलावाली रेंज की और धोलकंड गेट से सफारी की थी, सॉरी मोहन गेट से सफारी की थी, और आप यूट्यूब पर भी डालेंगे मोहन गेट सफारी राजाजी नेशनल पार्क या चिलावाली रेंज सफारी राजाजी, तो मेरा ही वीडियो सबसे पहले आएगा, तो आप देख लेना उसमें। और फिर मैं आपको बता दूं एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बहुत प्यारा सा जिसमें मैं रुका था हाई बैंक पर है, वो है रानीपुर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, वो तो BHEL के पास ही है, हरिद्वार में ही सिचुएटेड है वो, और जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो तो रानीपुर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी डालना, तो मेरी वीडियो आ जाएगी पहले नंबर पर आ जाएगी। तो रानीपुर में मैं रुका था, पूरी कंप्लीटली वीडियो है नाइट स्टे की, तो वो भी बहुत प्यारा है, वहाँ से सुरेश्वरी देवी का मंदिर का भी एक ट्रैक है छोटा सा, और वहीं से अगर हम सफारी करते हैं रानीपुर रेंज की, तो मैंने इवनिंग सफारी की थी जिसमें मुझे 4-4 लेपर्ड दिखाई दिए थे, तो वहीं पे ही है वो बेरीबारा तक होती है, बेरीबारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक, तो बेरीबारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी इसमें आता है राजाजी नेशनल पार्क में। तो अब तक मैं जो भी मतलब ये जो रोड है ना, राजाजी नेशनल पार्क एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब बीच से ना गंगा डिवाइड कर रही है राजाजी नेशनल पार्क को, और तो ये गंगा के इस तरफ वाले जितने भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस थे उनकी कंप्लीटली लिस्ट मैंने आपको बता दी है। तो 7 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मैंने आपको बता दिए हैं और बचे हैं अभी 4 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो कि गंगा जी के उस तरफ हैं। तो जो 7 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आपको मैंने बताया उनके नाम बता देता हूँ, आसारोरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, फांदो वाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, मोतीचूर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, कंसराव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, धोलकंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, बेरीबारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और रानीपुर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अब जो हम गंगा जी के उस तरफ जाते हैं तो जैसे ही हम बैराज क्रॉस करते हैं
तो लेफ्ट साइड में एक ऋषिकेश रास्ता जा रहा है जो नीलकंठ के लिए जाता है, मतलब राजा नेशनल पार्क से आपने देखा होगा जो परमार्थ निकेतन के पीछे की तरफ निकलता है रास्ता, तो उसी से जैसे हम बैराज से चलते हैं एम्स, मतलब एम्स ऋषिकेश के सामने से जा रहा है वो रास्ता, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर चलते ही लेफ्ट साइड में पड़ता है कुनाव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तो कुनाव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी काफ़ी अच्छा है, मैं गया हूँ और मैंने वीडियो में भी दिखाया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर कुनाव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तो मेरी ही वीडियो आ जाएगी। फिर आप वहाँ से जो शिला जो बैराज वाला रोड है, कैनाल रोड है, तो उस पर ही जब हरिद्वार की तरफ जाते हैं, एक्चुअली हरिद्वार के लिए दो रास्ते हैं ऋषिकेश से, एक बैराज से एम्स ऋषिकेश से आगे से जाता है, एक जाता है मेन रोड है जो हाईवे है। तो जब हम गंगा जी के उस तरफ से जाते हैं वो कैनाल के किनारे किनारे, तो वहाँ पर पड़ता है चिला जोन और वहीं पर चिला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। ये चिला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मेन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और सबसे बड़ा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। यहाँ पे आप जो चिला का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है बहुत पुराना, मतलब जितने भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं पूरे उत्तराखंड में, कॉर्बेट के और राजा जी के मिला के या बाकी जो 125 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं, चाहे वो उत्तराखंड डिवीज़न के हों चाहे किसी भी फॉरेस्ट डिवीज़न के हों, और उसमें सबसे पुराना जो चिला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले वही बनाया था, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा ढिकाला का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। तो वो भी मैंने आपको टूर दिया हुआ है कम्प्लीटली, आप गूगल पर सर्च कर लेना चिला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का। और वहीं से ही जब हम सफारी करते हैं चिला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की, जब हम चिला जोन की सफारी करते हैं, तो जब हम जीप सफारी करते हैं तो बिल्कुल लास्ट में जाके पड़ता है मिथावली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, बिल्कुल कोर जोन में, इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर रहता है और उसके आसपास भाई टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, बहुत घना जंगल है और बहुत वाइल्डनेस फील आता है वहाँ पे। तो मेरा ड्रीम है मिथावली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, लेकिन सबसे टफेस्ट अगर कोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस किसी नॉर्मल मतलब सिविलियन के लिए रुकने के लिए है तो वो है मिथावली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, क्योंकि वहाँ पर ना मतलब बिल्कुल भी अलाव नहीं है वहाँ पर रुकना। इवन एक बेरीबारा में आप एक बार रुक सकते हैं, रानीपुर में रुक सकते हैं, धौलगढ़ में रुक सकते हैं, लेकिन आप मिथावली में नहीं रुक सकते। कुछ मैंने बहुत कोशिश की मिथावली में रुकने की, लेकिन मिथावली में कभी मैं रुक नहीं पाया। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सब्सक्राइबर से, अगर किसी की ऐसी जान पहचान है जो मुझे रुकवा सकता है मिथावली में या फिर धौलगढ़ में, तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। इवन इंस्टाग्राम है मेरा डिस्क्रिप्शन में, तो इंस्टाग्राम से आप मुझे इनबॉक्स करिए और मैं भी चलता हूँ आपके साथ और ज़रूर घूमेंगे। बेरीबारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में नाइट स्टे करेंगे और धौलगढ़ में नाइट स्टे करेंगे। तो ये सारे जो गंगा जी के उस तरफ वाले तीन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली 11 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आपके समक्ष रख दिए हैं, और अभी धीरे धीरे इन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को जब मैं विजिट करूँगा तो मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊँगा कि कब कौन किस ईयर में बना है और इनकी हिस्ट्री क्या है, कब बना, किसने बनवाया, अगर जितनी भी डिटेल मिलती है तो मैं धीरे धीरे आपको बता ही दूंगा। और इनकी लोकेशन आप इजीली गूगल मैप पे देख सकते हैं अपने आप। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को राजा नेशनल पार्क में नाइट स्टे करना है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अंदर, तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको बाहर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का फील लेना है, ऐसे कुछ लॉजेज हैं जो कि जंगल के किनारे हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वाला फील आएगा और रात को हो सकता है आपको बिल्कुल वाइल्डनेस फील आएगा, तो भी आप मुझे बता देना, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मैं आपको वहाँ भी स्टे करवा सकता हूँ, जीप सफारी में हेल्प कर सकता हूँ। वैसे तो जितने भी जीप सफारी गेट्स हैं ओपन होंगे वो 15 नवंबर के बाद ही ओपन होंगे, लेकिन हो सकता है राजाजी नेशनल पार्क कॉर्बेट की तरह कुछ ये थोड़ा सा डिसीजन ले लें और थोड़ा बहुत कुछ जोन थोड़ा जल्दी ओपन कर दें अक्टूबर में, नवंबर में, अक्टूबर में, तो भी मैं अपडेट कर दूंगा। वैसे तो 15 नवंबर के बाद ही, 15 नवंबर टू 15 जून तक ही ओपन रहते हैं सफारी के लिए। और लेकिन एक जोन है जो कि राजा नेशनल पार्क से अलग है, झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व, वो हरिद्वार से जो नजीबाबाद बिजनौर रोड जा रही है उस पर है वो, तो वो थोड़ा सा हल्का सा 20-30 किलोमीटर दूर है मतलब मेन चिला गेट से, तो आप वहाँ पे भी सफारी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा जल्दी ओपन हो जाता है। अगर वहाँ पे सफारी करनी है तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर देना, वहाँ पे भी एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है झिलमिल पे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो बनाने का मेरा तरीका भी कुछ मैंने डिफरेंट किया है। मैं अपने घर की छत पर आया था और ये वाला व्यू दिखा रहा था, ओवरकास्ट हो रखा है, मानसून चल रहा है, आज 1 सितंबर है और सितंबर में भी यहाँ पे बारिश रहती है, और अभी तक थोड़ा सा जब मानसून स्टार्ट हुआ था तो कम बारिश थी, लेकिन जैसे अगस्त में 15 अगस्त के बाद यहाँ पे मूसलाधार बारिश रही, इवन रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश थी, और एक बार यहाँ पे बादल फटे मालदेवता में और इस तरफ, और जो उसके बाद जो बारिश अभी हुई थी 2-3 दिन पहले उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन बादल नहीं फटे थे उसमें, और काफ़ी घरों में और कॉलोनी में पानी भर गया था। हाल में तो जिस जगह मैं रहता हूँ यहाँ पे तो कभी बादल फटे नहीं है और कोई ऐसा केस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से जो दूर है थोड़ा मालदेवता की तरफ पहाड़ों में वहाँ हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह की वीडियो आप आगे भी आती रहेंगी राजा नेशनल पार्क और कॉर्बेट से रिलेटेड वीडियो के लिए, ये चैनल तो भाई जब जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन जितना भी पॉसिबल होता है मैं देने की कोशिश करता हूँ, और रेगुलर व्लॉग तो मेरे आते रहते हैं जो होम व्लॉग हैं वो सुबह के 8 बजे। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।